ये छोटा सा टाउन है बट यहाँ पे लगता है देसी जनता बहुत है। यू आर फ्रॉम नेपाल? तो गाइज अपने निकलने का टाइम आ चुका है 4.5 साल बाद फिर से। छुट्टियाँ बची हुई है, अपनी साइकिल उठाते हैं और चल पड़ते हैं एक सफ़र की तरफ। हालांकि बहुत ही ज़्यादा ठंड है तो देखते हैं, अगर मज़ा आया तो बढ़ते रहेंगे नहीं तो घर वापस आ जाएंगे। बाय बेला। तो दोस्तों एक्चुअल प्लान तो मैंने बताया ही नहीं, मैं जा रहा हूँ सोल टू बुसान जर्नी ऑन बाईसाइकिल। तो गाइस क्या करें, छुट्टियां हैं तो कहीं तो टाइम बिताना ही है, तो आज का डे मैंने सोचा साइकिलिंग करते हैं। और अगर आज का डे तो डेफिनेटली किसी और सिटी में रुका जाएगा। तो आकाश तो काफ़ी साफ है, हवा की क्वालिटी भी नॉट बैड है, सूरज भी जल्दी ढल जाएगा, ठंड और बढ़ जाएगी। आज की रात तो कहीं और ही गुजारेंगे। सी यू सून। 3 hours later। रात का अंधेरा देखो भाई, फिर से वैसी ही। ये मोटल वाले बड़े सही निकले। 6th floor पे मैं अपनी बाइक ले आया, मैंने बताया यहाँ पे लॉक कर दो। सीन्स गुड। नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह हो गई मामू मामू, और ये अपनी कॉफी। टेम्परेचर है माइनस में, शायद -5 or 6। ओह कॉफी ठंडी हो गई, इस हवा के चक्कर में बंद करो। दिस इज अर्ली मॉर्निंग, आई मीन 9 AM एंड आई हैव स्टार्टेड माय टुडेज जर्नी। इस फ्रोजन नदी के आसपास तो और ज्यादा ठंड है। लगभग 550 किलोमीटर जाना होगा अगर बुसान पहुंचना है तो। मजा तो आ रहा है, इतना ही रहे तो ठीक है, और बर्फ पड़ गई तो दिक्कत हो जानी है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ क्या माहौल है, बर्फ पड़ रही है, धुआंधार। ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है, पेड़ों की कतार, बर्फ की बौछार और बीच में हम साइकिलिंग करते हुए। पानी भी ख़त्म हमारे पास, नट्स रखे हुए थे वो भी ख़त्म, बादाम बादाम टाइप। भूख लग रही है, तो अभी मैप में देखा 2 किलोमीटर के बाद शहर शुरू हो जाएगा, फिर वहाँ देखते हैं कुछ खाना वाना गर्मा गर्म जो भी पहले मिल जाए। ये बर्फबारी स्टार्ट होने की वजह से लग ऐसा रहा है कि जैसे कितनी शाम हो गई है, लेकिन अभी 3 बज रहे हैं। चलो जल्दी ही उस टाउन में पहुंच जाएंगे। ये बारिश और बर्फ दोनों ही बहुत अनकंफर्टेबल कर देती है। जल्दी से उस सिटी में पहुंचते हैं, मोटल लेते हैं, कमरे में जाते हैं, फिर खाना ढूंढते हैं। ये छोटा सा टाउन है बट यहाँ पे लगता है देसी जनता बहुत है। और ये देखो एक फूड मार्ट, वर्ल्ड फूड मार्ट, क्योंकि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट दिखा और उसमें
मेन्यू इतना ज़्यादा कि मतलब सोल में भी किसी रेस्टोरेंट में नहीं दिखा मैंने, मतलब मेन्यू आइटम। बट मैं उस इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा हूँ, देखते हैं कि जितने वैरायटी मेन्यू में है उतनी टेस्ट में है कि नहीं। अरे आपके यहाँ पानी पूरी है? आप हिंदी बोलते हैं? यू आर फ्रॉम नेपाल? ओके ओके, पानी पूरी बाकी देखता हूँ। पानी पूरी ऑर्डर हो गई है। तो इसके साथ ही दोस्तों घर से लेके पानी पूरी तक की 80 किलोमीटर की जर्नी खत्म होती है। अच्छी लगी हो आपको तो अगला एपिसोड देखना ना भूल। ठंड से पैरों की वाट लगी हुई है, रास्ता बहुत ही संकरा है। Thank you.